सभी तपस्वी शाता में होंगे। आज शासन अधिपति 24वें तीर्थंकर प्रभु वीर का जन्म कल्याणक का दिन। आज से 2618 वर्ष पहले इस धरती पर सभी जीवों को तारने हेतु प्रभु वीर का जन्म हुआ था। कैसे थे मेरे प्रभु वीर? अनंत गुणों के भंडार थे प्रभु। अभिग्रह को पूरा करने हेतु 6 महीने तक लगातार उपवास किया और राजकुमारी से दासी बन चुकी चंदन बाला को प्रभु भक्ति की वजह से मान सम्मान संपत्ति वापिस पाकर शासन की प्रथम साध्वी बनने का सौभाग्य दिलाया। गंभीर मौन धारी कई जीवों की बलि लेने वाले तामसिक स्वभाव वाले चंडक ओशिये को भी प्रभु ने सिर्फ बुज्ज बुज्ज शब्दों से प्रतिबोधित किया। समता के विशाल सागर प्रभु, गोवालियों ने कान में खिल्ले ऐसे ठोके थे कि दोनों कान के कोने भी जुड़ जाए, इस हद तक भयंकर वेदना दी, फिर भी समाधि भाव में परमात्मा साधना कर रहे थे। मेरु समान अचल प्रभु, कठपुत के व्यंतरी ने साधना में से चलित करने को अनेक प्रयास किए, फिर भी परमात्मा मेरु के समान अड़ग रहे। सर्व मैत्राय प्रभु, शूलपाणि यक्ष ने एक रात्रि में मरणांत उपसर्ग दिए, फिर भी परमात्मा ने क्षमा भाव से मित्र कहकर संबोधित किया। तथागत प्रभु, एक वक्त का परमात्मा का शिष्य उनके ही साथ रहकर तेजोलेशा सीखे और खुद को अरिहंत कहलाने परमात्मा के ऊपर ही तेजोलेशा छोड़ के उनकी हत्या करने को तैयार हो गया, ऐसे गौशाले को भी परमात्मा ने प्रतिबोधित किया। सर्वज्ञ प्रभु, अभिमानी इंद्रभूति के मन में रहे संशय को दूर करके उन्हें शासन के प्रथम गणधर पद पर स्थापित कर लब्धि निधान और विनय का ऐसा भंडार बनाया कि गौतम स्वामी खुद के पास जो चीज नहीं थी वो दीक्षा देते ही ऐसे अपने 50,000 शिष्यों को केवल ज्ञान की प्राप्ति दिलाई ना, तो वो परमात्मा की करुणा थी। करुणा निधान प्रभु, वो संगम जिसने 6 महीने तक परमात्मा पे भयंकर उपसर्ग किए, अरे यहाँ तक कि परमात्मा के अस्तित्व को ही खत्म करने काल चक्र का प्रयोग किया। परमात्मा पे तो कई उपसर्ग हुए पर परमात्मा की आंखों में कभी आंसू नहीं बहे, और इस बार संगम के उपसर्ग से परमात्मा के आंख में करुणा के आंसू के बूंद बहे। क्या सोचकर कि मेरी वजह से संगम को दुर्गति में जाना पड़ेगा, मैं उसका निमित्त बना, क्या मेरे परमात्मा की करुणा की बात करें। देवाधिदेव प्रभु, विश्व के तमाम जीवों का उद्धार हो इसीलिए अपने अंतिम दिनों में भी अखंड 16 प्रहर यानी पूरा 2 दिन देशना का धोध बहाया। प्रभु की वाणी का इतना प्रभाव था कि रोहिणी चोर को उसके पिता कहते थे कि यदि परमात्मा के समावसरण के पास जाए तो कान में उंगली रख के जाना, भगवान वीर का एक शब्द भी कान में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि परमात्मा का एक शब्द भी पूरा जीवन बदल देगा। अरे परमात्मा के जाने के बाद भी उनके नाम में ऐसी ताकत कि गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान की भेंट दी। कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य जी ने वितराग स्त्रोत्र में परमात्मा के अतिशयों का वर्णन करके 3रे प्रकाश में बताया है कि प्रभु का प्रभाव उपद्रवों को नाश करने परह की उद्घोषणा के समान है, जिससे जगत के शत्रु रूप मारी महामारी आदि की वजह से अकाल मरण नहीं होता। प्रभु भक्ति के बल से ही इस भयंकर महामारी में हम सुरक्षित हैं और आगे भी सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति से ही सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए प्रभु वीर के शब्द को इस लॉकडाउन में हमें मन में घूट के रखना है कि एक भी समाज का हमें प्रमाद नहीं करना है। आज ही करीबन शाम के 4 से 5 बजे बैंगलोर की भूमि में केसर के छांटने दिखाई दिए। कुछ ऐसी ही घटना लगभग 7-8 वर्ष पहले हमारे थाना में हमारे ही फ्रेंड्स ग्रुप के एक परिवार के घर में गृह देरासन में देखने मिला था। कभी पूज्य आचार्य भगवंत ने फरमाया था कि शाश्वती ओली के दिनों में नंदीश्वर दीप में भक्ति करने हेतु देव देवी जाते हैं और रास्ते में कोई परमात्मा के मंदिर की भक्ति करने वे रुकते हैं और वहां से जब निकलते हैं
तो अपनी हाजिरी के लिए वो प्रमाण छोड़ के जाते हैं। और केसर के छांटने जो आप देखेंगे तो गोल ही रहते हैं, यदि हमने हमारे हाथों से छांटे उड़ाए होंगे ना तो वो टेढ़े रहते हैं, पर ये गोल छांटने उसका साबित ही देता है कि देव देवी भी परमात्मा की भक्ति में आज भी हाजरा हजूर है। इसीलिए लॉकडाउन में हम सभी ने देखा होगा कि आज तक कई धर्मात्मा शायद देव पूजा करते थे, द्रव्य पूजा करते थे, पर इन दिनों में भाव पूजा करने के भी कई अनुभव हमने देखे। जो आज तक सिर्फ ओली करते थे वो दो नो टाइम प्रतिक्रमण, देव वंदन, सामायिक, श्रीपाल मैना का रास आदि सारी क्रियाएं घर पर बैठकर अद्भुत भक्ति भावना रूप जुड़े हुए हैं। आइए परमात्मा महावीर के कुछ पुराने भवों की बात याद करते हैं। परमात्मा के तीसरे मरीचि के भव की बात करनी है। जब वे ऋषभ देव भगवान के पौत्र थे और उस वक्त उनमें अहंकार आ गया इस बात का कि मेरे दादा तीर्थंकर, मेरे पिता भरत चक्रवर्ती और मैं 24वां तीर्थंकर बनूंगा। इस अहंकार से ऐसा निच गोत्र बांधा कि तीर्थंकर के भव में भी उन्हें हल्के कुल में उत्पन्न होना पड़ा और फिर गर्भ संक्रमण का छेरा हुआ। मरीचि के भव में ही उन्होंने दीक्षा तो ली थी पर परिशह सहन नहीं कर पाए, इसलिए त्रिदंडी साधु बने। और जब पीड़ा में सहायक कोई शिष्य नहीं मिला तब कपिल राजकुमार उनके पास आया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कपिल, धर्म इधर भी है और दादा ऋषभदेव के पास भी धर्म है। ये शब्द सुनकर कपिल ने मरीचि के पास दीक्षा ली और ऐसा उत्सूत्र प्ररूपणा से उनके भव का फेरा बढ़ा दिया। कर्म ने परमात्मा वीर को भी नहीं छोड़ा तो मुझे और आपको कैसे छोड़ेंगे? अरे प्रभु, वीर ने तो कितनी साधना की, उनके एक भव में तो उन्होंने 11,80,645 मासक शमन किए, हमारे तो जिंदगी भर के तब भी इसके सामने नहीं आ सकते, तो फिर हम क्यों पाप से नहीं डर रहे? आज प्रभु के जन्म कल्याणक पर एक संकल्प करना है। हम जो सोचते हैं ना कि यार एक बार पाप कर लेता हूँ, ऐसे भी दो टाइम प्रतिक्रमण करता हूँ ना, रोज परमात्मा की पूजा तो करता हूँ ना, अरे पाप से नहीं डरेंगे ना तो ये सारी की सारी द्रव्य क्रिया भी व्यर्थ जाएगी। कंदमूल खाते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, पर मन में जरा भी यदि खेद नहीं होता ना तो सोचना हमारा अगला भव कहाँ मिलेगा हमें। सिर्फ परमात्मा के जन्म कल्याणक के दिन इतना संकल्प करना है, हम पाप कर रहे हैं पर पाप का डर मन में आए, कभी ना कभी ये पाप छोड़ पाऊँ ना, ऐसी शक्ति परमात्मा दे ये भावना मन में आए, और कभी परमात्मा के वचनों का अनादर ना हो। ऑलवेज पक्षपात तो प्रभु की आज्ञा का ही रखेंगे, भले मैं मेरे से दो टाइम प्रतिक्रमण नहीं होता पर मेरे परमात्मा की आज्ञा है, करना चाहिए और यही सही है, ऐसा पक्षपात हमारा मक्कम होना चाहिए। और आखिर में इतना ही, मेरे परमात्मा ने यदि इतने दुख सहे तो हम ऐसा तो नहीं मांगेंगे कि परमात्मा दुख ना दे, पर इतना जरूर कहेंगे, प्रभु तेरे शासन का हो, तेरा बच्चा हो, जितने भी दुख आए बस तेरे नाम से, तेरी कृपा से इतनी शक्ति देना कि सभी दुखों में भी अपनी मन की समाधि में मैं टिका रहूं। यही भावना मक्कम रखेंगे ना तो आज का ऐसे भी जन्म कल्याणक का दिन तो हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे लॉकडाउन की वजह से, पर ये संकल्प भी अगर निश्चित रखेंगे ना तो जीवन भर परमात्मा की भक्ति का फल हम पाते रहेंगे। प्रणाम।